मनुष्य की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? अपनी इज्जत बचाना और अपनी पहचान बचाना। और ये इज्जत भी दी हुई इसी संसार की है और ये पहचान भी तुम्हें संसार ने दिया है। और सारी जिंदगी इस झूठी इज्जत और झूठे पहचान को बचाने के लिए पता नहीं तुम क्या क्या पापड़ बेलते हो, क्या क्या कर्म करते हो। जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें किसी ने दिया है, तो ये निश्चित रखना कि आज नहीं तो कल भूतपूर्व हो जाओगे। इसलिए धर्म का ऐसा पथ है जहां कभी कोई भूतपूर्व नहीं होता। प्रहलाद और मीरा आज तक भूतपूर्व नहीं हुए, वो अभूतपूर्व थी, हैं और रहेंगी। उन्हें कोई भूतपूर्व नहीं कर सकता। पर व्यक्ति की सारी कवायद है कि जो मिला है उसे बचाना है और जो नहीं मिला उसे पाना है। और मैंने कल कंस की परिभाषा बताई थी। कंस की दो पत्नियां हैं, एक अस्ति एक प्राप्ति। एक का अर्थ है इतना है और इतना प्राप्ति करना है, इसी को कंस कहते हैं। मुझे पता नहीं कंस नाम का कोई व्यक्ति था भी या नहीं, मैंने देखा नहीं। पुराणों में है, शास्त्रों में है, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं सनातन परंपरा का वाहक हूं और मुझे अपने शास्त्रों पर, संत पर, ऋषि पर विश्वास है, भरोसा है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों ने इन कथाओं के मर्म को नहीं समझा। हमने कथाओं को व्यापार बनाया, हूबहू कथाएं उतार के रख दी, राम और रावण, कृष्ण और कंस, दैट्स इट, दैट्स ऑल। हो गई तुम्हारी भक्ति, मिल गए जीवन के सारे सूत्र जीने के। अरे कंस कब का मरा? 5,500 वर्ष पूर्व। रावण कब का गया? दुर्योधन कब का गया? अगर ये सब चले ही गए तो फिर इतनी अशांति, इतनी हिंसा, इतने दुराचार, इतना दुख, अवसाद, पीड़ा, ईर्ष्या, ये क्यों? अगर रावण ही बुरा था तो वो तो चला गया। अब चारों तरफ प्रेम के पुष्प क्यों नहीं खिलते? दुर्योधन ही बुरा था तो अब कोर्ट और कचहरी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अब भाई और भाई के बीच मुकदमा कैसा? आखिरी बैड पर्सन था दुर्योधन, उसको तो मार दिया भगवान ने, पांडवों ने मार दिया, कंस को मार दिया। पर जब दृष्टि डालते हैं तो महाभारत से भी बुरी स्थिति आज है। जब दृष्टि डालते हैं तो रामायण के उस रावण काल से भी बुरी स्थिति आज, हिरण्यकश्यपु की बुरी स्थिति से भी आज बुरी स्थिति। क्यों? आप भी तो बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो। आजकल बुद्धिजीविता को ही तो सब कुछ माना जाता है। कितनी डिग्रियां प्राप्त की, क्या पढ़े, कितना नाम है आपका समाज में, आपको उसी से पहचाना जाता है, जाना जाता है। भले ही आप भीतर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, अभाव की अग्नि में जल रहे हैं, दुखों की अग्नि में जल रहे हैं, प्रतियोगिताओं की अग्नि में जल रहे हैं, अपने ही परिवार से पीड़ित हैं, समाज से पीड़ित हैं, अपने ही लोगों से आपके प्रतिष्ठा जाने का खतरा आपके ऊपर सदा मंडरा रहा है। आपको मिली हुई पहचान बचाने के लिए आप न जाने कितने कितने षड्यंत्र कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना औरा बना रहे हैं, कितने आवरण बना रहे हैं,